चाहूंगा इस गाने के बारे में, कौन सी फिल्म है, क्या प्रोजेक्ट है और कितना ज्यादा एंजॉय किया और किस तरह का टाइटल है और जो सिचुएशन है वो क्या है इस गाने का। इस फिल्म का नाम है एक आशा, और ये जो गाना है वो कव्वाली, एक कव्वाली है, और मुझे लगता है ये बहुत ही सिचुएशनल जगह पर आती है जो कव्वाली है। इस फिल्म का जो म्यूज़िक किया है वो नितीश तिवारी जी ने किया है, और बहुत बहुत अच्छी उन्होंने कंपोजिशन की है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया, मैंने बहुत दिल से गाया है। और इस फिल्म का ये जो सिचुएशन है, जैसा मुझे बताया गया कि वो जो हीरो है, जो जो कैरेक्टर है, वो दुखी है और प्रे कर रहा है, दुआ कर रहा है कव्वाली की शक्ल में। दादी ये जानना चाहूँगी कव्वाली की बात की आपने, तो आप देख रहे हैं कि आजकल फिल्मों में कव्वाली होती है लेकिन काफ़ी कम होती है, और मतलब उनका हिट होना बहुत मुश्किल होता है। अब क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़रूरी है उस चीज़ को, ट्रेडिशन को बढ़ाना फिल्मों में? देखिए, कोई भी चीज़ जो कम होती है वो बहुत एक्सक्लूसिव होती है, तो मैं तो यही मानता हूँ कि जो कव्वाली है वो बहुत एक्सक्लूसिव है, और उसकी ज़रूरत होगी तभी ना वो उस जगह पर है। तो मैं समझता हूँ कि ना उस ये तो ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज़ क्या है कि अगर कव्वाली की बात करें तो कव्वाली एक ऐसा जॉनर है कि जो हर कोई भी नहीं गा सकता, और उसके लिए एक अलग अंदाज होता है, उसका एक अलग स्टाइल होता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर ये एक कव्वाली निकली थी और उसके लिए मुझे बुलाया गया, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत उसकी बात है। आखिर मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज के जमाने में देख रहे हैं कि कितना डिजिटल मीडिया ग्रो कर रहा है, सैटेलाइट्स हैं, रियलिटी शोज आते हैं, प्लेटफॉर्म कितना इंक्रीज हो रहा है, आपको लगता है कि एस्पायरिंग सिंगर्स के लिए या क्रिएटिव आर्टिस्ट के लिए? देखिए, सिंगर्स के लिए काफ़ी मतलब एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है सोशल मीडिया के माध्यम से, रियलिटी शोज़ के माध्यम से, और नए नए सिंगर्स आते हैं, नए नए सिंगर्स अपना, जिन लोगों को पहले कई सालों पहले ये पता नहीं होता था कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, आज बहुत आसान है। आज लोग किसी रियलिटी शो में जाते हैं, अगर वो वाकई टैलेंटेड है तो कहीं ना कहीं उनको मुकाम ज़रूर मिलता है। तो बहुत इसमें बढ़ोतरी हुई है, और बहुत एक अच्छी बात है। और जो इस प्रोजेक्ट के म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनके बारे में कुछ बताइए, क्या कहना चाहेंगे? नितेश जो हैं वो बहुत अच्छे कंपोज़र हैं, बहुत अच्छा कंपोज़ करते हैं, इनके पहले भी मैंने गाने गाए हैं, और ख़ुद भी बहुत टैलेंटेड हैं कंपोज़र, सिंगर भी बहुत अच्छे हैं। तो दोनों चीज़ें हैं इनकी, तो इनका गाना गाने में बड़ा अच्छा लगता है। नितेश भाई आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जब भी कव्वाली की बात आती है, ऐसा नहीं कि मैं कव्वाली के लिए जावेद भाई को याद करूँ, मैं रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए भी याद करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनसे गवा कर, और मेरे कंपोजिशन कव्वालियाँ मेरी कम है, रोमांटिक सॉन्ग्स भी ज़्यादा है। ज़्यादा जी बिल्कुल। और लेकिन क्या है, जो भी मैंने कव्वालियाँ गाई हैं वो, जैसे कि आपने सवाल पूछा था कि ना आजकल बहुत कमी के साथ हिट होती है जी, जो भी मैंने गाई है सब माइक से ही है, आवाज चाहे वो कुन फाया कुन हो, बिल्कुल, चाहे वो अर्जियां हो, चाहे वो मेरा मुर्शिद खेले होली हो, और भी कई कव्वाली आता है तो हिट होता ही है। हाँ। और मुझे अच्छा लगा आज गवा कर, एक आशा मूवी का सॉन्ग है, और मैं चाहूंगा जावेद भाई हमेशा मेरे लिए ऐसा ही गाते हैं। अमीन अमीन गा रहे हैं, एक यू नो इतना पॉपुलर सिंगर है बॉलीवुड में, क्या कहने के बारे में? मैं कौशल कुमार सिंह, और ये अश्विन भाई है जो हमारे प्रोडक्शन और कास्टिंग इन्होंने किया है। मैं कौशल कुमार सिंह, जिसको प्रोड्यूस किया है मैंने। अच्छा। मैं और जास्मिन एवेंस है जो ऑस्ट्रेलिया में, अभी वो सॉरी नहीं आ पाई इस टाइम पे। अच्छा। तो हम दोनों ने मिलकर इसको प्रोड्यूस किया है। अच्छा। इसके डायरेक्टर मयूर कटारिया है। ठीक है। इस फिल्म के अंदर हमने कुछ ऐसा दिखाया जो अभी तक कभी हुआ ही नहीं है किसी फिल्म के माध्यम से। जैसे एक छोटी सी बच्ची है जो पंडित के घर में जन्म लेती है, और आप सब समझ सकते हैं कि पंडित के घर में अगर कोई किन्नर पैदा होती है तो कितनी शर्मनाक बात हमारे इंडिया के अंदर होती है, लोग मतलब क्या सोचते हैं उसके बारे में, जबकि ये गलत है। वो भगवान की बनाई हुई चीज़ है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर ये सारी चीज़ें भगवान की बनाई हुई चीज़ है, लेकिन इंडिया में इसको कोई ध्यान नहीं देता है। अभी देखा जाए, आप किसी स्कूल में जाओ, स्कूल में क्या होता है, जब एडमिशन होता है मेल फीमेल दो ही कॉलम्स होते हैं, तीसरे कॉलम्स का कहीं जिक्र ही नहीं होता है। आजकल किन्नर्स के लिए नया कोई स्कूल है, नया कुछ सुविधाएं हैं किन्नर्स के लिए, किसी अच्छे सिटी में चला जाओ होटल्स नहीं मिलते हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इस कम्युनिटीज़ के साथ, इस हिजरा कम्युनिटीज़ के साथ। तो हमने इसमें अपने तरफ से बहुत चाहा है कि इनको
इनके राइट्स मिले और इस फिल्म को अभी तक 19 इंटरनेशनल अवार्ड्स के अंदर नॉमिनेट हो चुका है, जिसमें 11 इंटरनेशनल अवार्ड हमने बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट एक्टर का अवार्ड हमने पाया है। सर आप क्या कहना चाहेंगे प्रोडक्ट के बारे में? ये ट्रांसजेंडर्स एक अवेयरनेस को लेकर पूरा कॉन्सेप्ट था, जो जैस्मिन काफ़ी प्रभावित हुई थी इंडिया में आकर, उनको ट्रांस कम्युनिटी की जो दुर्दशा यहाँ पर है उसी बेसिस पे पूरा ये का आइडिया आया था। आज से 3 साल पहले हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी मयूर जी ने इस पर, और उसके बाद हमने सोचा कि चलो कुछ किया जाए इस कम्युनिटी के लिए, और फिर हमने एक फिल्म बनाई अवेयरनेस के लिए। हम एक सभ्य समाज का हिस्सा है तो हमारी ये दायित्व बनता है कि हम उन समाज को आगे लाने की कोशिश करें जो बिछड़ चुके हैं। और आगे जो कर रहे प्रोजेक्ट उसके मतलब क्या विजन है, जो भी आपका प्रोफेशन है, कास्टिंग करते हैं और प्रोडक्शन जो? जी हाँ, मैंने प्रोडक्शन किया है, पूरा प्रोजेक्ट भी हैंडल कर रहा हूँ, और इस फिल्म को कास्टिंग भी मैंने की है और मयूर जी ने भी की है, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने भी बहुत मदद की है इसमें जी, और रुद्राणी जी ने, उन्होंने भी काफ़ी मदद की है, क्योंकि पूरे देश भर में हम घूमे थे एक ऐसे ट्रांसजेंडर एक्टर के लिए। और ये बड़ी कमाल की बात है कि ये पहली फिल्म है ट्रांसजेंडर्स की जिसमें सारे किरदार रियल ट्रांसजेंडर्स ने निभाए हैं। कौशल जी, मेरा एक सवाल है आपसे, काफ़ी समय से चुनाव भी चल रहा है, बीजेपी के किसी पद पे हैं आप, दिल्ली आते जाते रहते हैं, तो इस समय चुनाव के समय में कैसे समय दे पा रहे हैं आप शूटिंग के लिए? और बराबर मैं एक महीने से देख रहा हूँ आपकी रिकॉर्डिंग वगैरह चल रहा है। ये एक आशा है, ये मैंने कोई कमर्शियल काम नहीं किया, ऐसा नहीं कि मैं पैसे कमाने के लिए मैंने किया है इस काम को भी। हमने एक जो ये समाज है, जो हमारे हिजरा जो मतलब एक समुदाय है, इस हिजरा समुदाय को लोग किस नज़र से देखते हैं, तो मेरा मानना है कि इस समुदाय को ऊपर उठाया जाए, इस समुदाय को भी हक मिले, इसका अधिकार मिले, उसके बाद मैं मतलब ये मेरा पहला स्टेप है। नहीं, इससे पहले भी आपने काफ़ी सारी फिल्में ऐसी बनाई हैं जी, और ये जो आशा है, आशा फिल्म का नाम आपने रखा। आशा एक छोटा सा मैं आपको बताया तो डिटेल्स क्या है जी। एक छोटी बच्ची एक पंडित के घर में जन्म लेती है और उसके अंदर बचपन से एक भावना होता है कि उसको लड़की बनना है। एक बेटा होता है, बेटे के अंदर भावना होता है कि उसको लड़की बनना है। कब दर्शक देख पाएंगे आपकी इस फिल्म के लिए? ये अभी फिल्म हम लोग प्लान कर रहे हैं रिलीज के लिए, अभी पोस्ट पे फिल्म मेरा पूरा, जावेद साहब हैं, बहुत ही जल्दी आ रही है, अलका याग्निक मैडम है, पामेला जैन मैडम से हमने गाना गवा लिया है, तो ये इस चीज को मैं पहले प्रॉपर पोस्ट करूंगा, एक ऐसा बनाऊंगा ताकि सबको दिखे, एक बहुत जल्दी मैं आपको देने वाले हैं। थैंक यू।